ये अंबलाई बिजली विभाग दे अजी पूरे जम्मू कश्मीर की बोल रही आर्मी भी आई आर्मी भी बिजली नहीं चलाई पूरी लड़ाई बेकारी और बेरोजगारी से हम आपके साथ हैं। अच्छा तू मैं रहूं। आज ये हमारा इन कंटिन्यूशन है जो सेंट्रल जोन जम्मू है उसकी मीटिंग आज वर्कर्स मीटिंग यहाँ पे थी और जिसमें कमेटी के मेंबर सारे तशरीफ लाए थे। कमेटी का चेयरमैन श्री ताराचंद जी, आरएस चिप साहब और आजाद साहब बीच में आए थे और ये सारी मीटिंग अभी चलेगी। आजाद साहब थोड़ी उसने क्यों दिल्ली वापस जाना है जल्दी चले हैं। तो ये DAP डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी एक मुतबादल आज़ाद साहब की लीडरशिप में देने की कोशिश कर रहे हैं हम और होगा क्योंकि एक साफ़ सुथरा चेहरा है गुलाम नबी आज़ाद साहब। अभी जम्मू कश्मीर जो बेरोजगारी में जूझ रहा है, स्टेट हमारी छीन ली गई है, जॉब्स हमारे ले लिए हैं और ज़मीन हमारी सेफ नहीं है, इन इश्यूज़ को लेके और गुलाम नबी आज़ाद की जो पर्सनैलिटी है, जम्मू के रहने वाले हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हिंदू में, मुसलमान में, जम्मू में, कश्मीर में और अजमाए हुए हैं, जो 2.5 साल का पीरियड इनका रहा इसका एज चीफ मिनिस्टर या उससे पहले, हर मुश्किल में हर जगह जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस बने हैं, जिला बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं और कनेक्टिविटी सड़कों के काम और बाकी रोजगार और हर चीज़ लोगों के सामने है। मुझे पूरा यकीन है कि आज़ाद साहब की लीडरशिप में यहाँ की सरकार ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाएगी और यहाँ पे एक अच्छा रूल आएगा और यहाँ पे आतंकवाद खत्म, भाईचारा मजबूत होगा और डेवलपमेंट होगी और हम उसी दिन का लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से, उनके मिस रूल से यहाँ के जम्मू के लोगों ने पिछले इलेक्शन में बड़ी उम्मीद से जिता के भेजा था भारतीय जनता पार्टी को। आप ये लोगों की भलाई करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जम्मू का हक दिलवाएंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ से जाके, चाहे वो यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट है या यहाँ के मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रहे भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने अपने प्लाट बनाने के बिना, कॉलोनियाँ बनाने के बिना और हाइड्रो प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए उन्होंने जम्मू कश्मीर के बैंक से लूट के ले गए हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ एक कोई बिजली का बिल आता है उसका कनेक्शन काट देते हैं। अब आज कोई वहाँ यहाँ पे कोई किसी का थोड़ा सा लोन हो उसका वो काट देते हैं, उसका घर छीन लेते हैं, उसको गिरफ्तारी करते हैं और गरीब आदमी को डेली वेजर यहाँ का सफ़र कर रहा है, इधर से माइनिंग यहाँ के लोकल जो है रोजगार सारा बाहर के लोगों को दे दिया है। आज लोग महंगाई कहाँ कहाँ, 450 रुपये का सिलेंडर, गैस सिलेंडर था, पेट्रोल आज